इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माय फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की यह फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन पे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है।
ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है, हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है, मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वो अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वो चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंधा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझ कर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है।
पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते, वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में।
भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन आपे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है।
कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरोइक इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर हैं। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है मगर परिवार के कर्ज में बंधा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरोइक इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी।
मार्सिन लास्कुआविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जेके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन आपे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाती जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है, मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है।
परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन के त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते, वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंधा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक लिब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माय फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अलीब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं, लेकिन बुढ़ा
बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है, लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है, लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है, वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है, और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है, और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते, वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंधा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप है जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है, उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप
में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर हैं। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वो अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हयप पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में।
भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन पे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है।
कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हयब पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वो जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वो अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है।
एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझ कर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान ने मोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माय फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की यह फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन आपे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है, मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वो अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वो चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है।
परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते, वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अलीअब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की यह फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की यह फिल्म है। भारत के निर्देशक अलीअब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन आपे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती।
2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है, लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है, लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है, वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है, और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है, और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते, वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं, जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है, उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया।
आया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर हैं। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में।
भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन आपे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाती जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंधा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है।
कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अलीअब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप है जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अलीअब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन के त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है मगर परिवार के कर्ज में बंधा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अलीअब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप है जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन
लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हया पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझ कर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जेके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माय फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। यह फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में।
निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है, मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप है जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है।
परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन के त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते, वो अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हयब पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माय फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन पे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती।
2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है, लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है, लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है, वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है, और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन के त्रासदी का दौर है, और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते, वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप है, जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी जिंदगी का हयप पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है, उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है।
पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वो अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान ने मोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में।
भारत फिल्म पर बात करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की यह फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन पे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है, हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वो अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वो चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है।
कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझ कर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमैक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखे इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई की परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी।
मार्सिन लास्कवाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। लव रोमांस कॉमेडी और सस्पेंस से बरकरार है सलमान खान की भारत, जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। भारत फिल्म पर बात करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि यह दक्षिण कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का हिंदी रूपांतरण है। दक्षिण कोरियाई निर्देशक यून जे क्यू की ये फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है और कोरियाई फिल्मों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर की ये फिल्म है। भारत के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में पेश किया है। भारत उस शख्स की गाथा है जो 1947 की विभाजन के समय अपने परिवार से बिछड़कर भारत आया था। इस शख्स का नाम है भारत। एक आश्रयहीन बच्चे के रूप में जिंदगी की कड़वी सच्चाई के सामने आंखें खोलने वाले भारत का एक ही संकल्प है, अपने बिछड़े परिवार को फिर से मिलाना। ऐसा वादा उसने अपने पिता के साथ किया था। क्या वो ऐसा कर पाएगा? यह अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि फिल्म लगभग 70 सालों के उस इतिहास में फैली हुई है जिसकी याद आज भी बहुत के जहन में जिंदा है और जिसके जख्म अभी भी ताज़ा लगते हैं। भारत का विभाजन इतिहास तो है, ये वर्तमान भी है, राजनीति में भी और स्मृतियों में भी। पर यह निष्कर्ष निकालना भी गलत होगा कि भारत सिर्फ दुख और दर्द की दास्तान है। इसमें और भी बहुत कुछ है। रोमांस है, हंसी है और मजाक है, यानी कॉमेडी का भरपूर डोज भी है। बहुत अच्छे गाने भी है और एक्शन भी है। और हाँ, जैसे कि सलमान खान की फिल्मों में होता है, सलमान ही सलमान है कई अंदाज में। सर्कस में जोखिम के खेल दिखाते हुए, दुकानदारी करते हुए, समुद्र में कई तरह के कारनामे करते हुए, अरब देशों में तेल निकालने के कारोबार से जुड़े हुए, फिर बूढ़े सलमान भी दिखते हैं लेकिन आपे में भी तंदुरुस्त। बेशक भारत एक मसाला फिल्म है और इसमें मनोरंजन के कई सारे रंग हैं। ये रुलाती भी है और हंसाती भी है, लेकिन कहीं बोर नहीं करती। 2018 में ईद के मौके पर आई सलमान की फिल्म रेस 3 दर्शकों को दिल में जगह नहीं बना सकी थी। सलमान के फैन निराश हुए थे, लेकिन भारत उनको इस बार चिल कर देगी। सुनील ग्रोवर ने सलमान के दोस्त विलायती का किरदार निभाया है और फिल्म के कॉमेडी पक्ष को खास रोचक बना दिया है। बतौर कॉमिक एक्टर वे भी इस फिल्म की उपलब्धि है। ये फिल्म एक और स्तर पर आज के ज़माने के लड़के लड़कियों में आज़ादी की भावना को सामने लाती है और फिर पुराने पारिवारिक बंधन की बाध्यता भी दिखाती है। मसाला है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी शादी के बिना लड़के लड़की के साथ रहने का। भारत कुमुद के साथ रहना चाहता है लेकिन शुरू में शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन हालात बदलते और दोनों की शादी भी हो जाती है। यानी परिवार नाम की संस्था के साथ विद्रोह भी हो गया और फिर उसका स्वीकार भी। वैसे ये प्रसंग सलमान के निजी जीवन से भी जुड़ा है। वे शादीशुदा नहीं है लेकिन कई लड़कियों से उनके नाम जुड़े हैं। सलमान की शादी कब होगी, ये फिल्म जगत का स्थायी मनोरंजक सवाल है। सलमान की जाति जिंदगी में शादी का मसाला समाज और परिवार की मान्यताओं से अलग है। हालांकि दूसरे मामलों में वे अपने परिवार से जुड़े भी है। और हाँ, कैटरीना कैफ के बारे में कुछ बातें नोटिस करने लायक है। एक तो इस फिल्म में उनके घुंघराले बाल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शायद इसी घुंघराली लटों के साथ वे पहली बार फिल्मों में दिखी है। कुमुद नाम की जिस लड़की का किरदार उन्होंने निभाया है वो भी कुछ मायनों में पारंपरिक दिखती है। भारत कुमुद को कई जगहों पर मैडम सर कहता है। इसमें एक किस्म का हास्य भी है। अब बात करी जाए फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है। परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है, मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंदा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक अली अब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मजेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म में वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं, इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर हैं। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है। जाने क्या है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत की कहानी, फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कैसे देखें इसे फ्री में। निर्देशक अली अब्बास जफर और सलमान खान की जुगलबंदी अब तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी साबित हुई है और यही वजह है कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद इस बार इस जोड़ी ईद जैसे फेस्टिवल पर सलमान के फैंस का दिल जीतने के लिए इमोशंस और पारिवारिक मूल्यों से सजी भारत लाए। फिल्म बेशक थोड़ी लंबी और 80 के दशक के नुस्खों से बुनी हुई महसूस होती है, मगर भाई के चाहने वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में उनकी हर अदा पर फिदा होंगे। कहानी का प्रीमाइसिस बहुत ही विस्तृत है। फिल्म फ्लैशबैक से शुरू होती है जहां 70 साल का भारत अपने खुशनुमा परिवार के साथ अपना अटूट बंधन बांधे हुए है।
परिवार के साथ अपने जन्मदिन को मनाने के दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये 1947 के विभाजन की त्रासदी का दौर है और उस आग में भारत अपने स्टेशन मास्टर पिता और बहन से बिछड़ चुका है। मगर बिछड़ने से पहले भारत ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक उसके पिता वापस नहीं लौटते वह अपनी माँ, अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का ख्याल रखेगा। उसके बाद 1947 से लेकर 2010 तक अपने परिवार की जरूरतों के लिए वह चोरी, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, किराने की दुकान चलाना, अरब जाकर तेल निकालने का काम और समंदर में जाकर जान जोखिम में डालने जैसे हर तरह के काम करता है। उसे नौकरी दिलवाने वाले बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैडम सरजी उससे प्यार का इजहार कर शादी की पेशकश करती है, मगर परिवार के कर्ज में बंधा भारत उसे जता देता है कि वह शादी नहीं कर सकता। तब बिंदास मैडम सरजी भारत के घर में आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत मांगती है। भारत की जिंदगी के इस लंबे सफर में विलायती खान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके सुख दुख का हिस्सा बनता है। कहानी में बंटवारे के समय इंडिया पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की पहल और शहरीकरण तथा तरक्की के नाम पर दुकानों को तोड़कर मॉल बनाने का ट्रैक भी है। इसे निर्देशक लिब्बास जफर की समझदारी कहनी होगी कि उन्होंने सालों से बुनी हुई भाई के परिवार प्रेमी और हीरो की इमेज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। फिल्म कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मगर कई चरित्र और ट्रैक्स होने के कारण बीच बीच में अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म वर्तमान और अतीत के कई टाइम लिंप हैं जो कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। इसके बावजूद इमोशन की पकड़ छूटने नहीं पाती। फिल्म की लंबाई कम होती तो अच्छा था, मगर जाहिर है 65-70 साल के लंबे दौर को दिखाने के लिए निर्देशक को इतना समय लेना पड़ा है। एडिटिंग और शार्प और कसी हुई हो सकती थी। मार्सिन लास्क्वाविस की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। सभी जानते हैं कि सलमान खान अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू पर्दे पर उन्हें भारत के किरदार को पुख्ता करने में बहुत ही मददगार साबित हुआ है। 20 साल के युवा से लेकर 70 साल के बूढ़े के रूप में वे किरदार के हर रंग को जी गए हैं। हाँ, 70 साल के बुजुर्ग के रूप में उनका बॉडी लैंग्वेज उतना ढीला ढाला नहीं है, मगर भाई की इस अदा को स्टाइल समझकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सलमान इमोशन कॉमेडी और हल्के फुल्के एक्शन से अपने किरदार को दर्शनीय बनाया है। मैडम सरजी के रूप में कैटरीना की परफॉर्मेंस दाद देने योग्य है। वह जितनी खूबसूरत लगी है उतना ही उन्होंने अपने रोल को विश्वसनीय बनाया है। अभिनय के मामले में विलायती के रूप में सुनील ग्रोवर की जितनी भी तारीफें की जाए कम है। सुनील ने जता दिया कि वे हर तरह के इमोशन को खेलने में माहिर है। पर्दे पर उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। अन्य किरदारों में सोनाली कुलकर्णी, जेके श्रॉफ, सतीश कौशिक, आसिफ शेख का अभिनय याद रह जाता है। कुमुद मिश्रा, दिशा पटानी और शशांक अरोड़ा के वेस्ट कर दिया गया है। क्लाइमेक्स में तब्बू की एंट्री दमदार है। विशाल शेखर के संगीत में फिल्म का गाना स्लो मोशन रेडियो मिर्ची के टॉप 10 चार्ट में नंबर 1 है। इस फिल्म का गाना चाशमी नंबर 8 पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि फिल्म को प्राइम वीडियो पर फ्री में देखने से पहले आपके पास इस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी होना जरूरी है।